नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज शॉर्ट। आज हम पुनः मिल चुके हैं जो बारून नगर पंचायत की भावी चेयरमैन प्रत्याशी थे इंदु देवी जी से। तो आज हम चुनाव को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे छठ, दिवाली, धनतेरस को लेकर। तो आइए हम जानते हैं जो हमारे नगर पंचायत की भावी चेयरमैन प्रत्याशी इंदु देवी जी, डायरेक्ट इन्हीं से पूछते हैं कि इस बार का छठ जो त्यौहार है, दिवाली त्यौहार है, धनतेरस इस बार का कैसा रहेगा। तो स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। इस बार मैम दिवाली अति पूजा रहा है, और जैसा कि पिछले जानते हैं कि 2-3 वर्षों पहले कोरोना काल आ गया था, जिसके कारण लोग धूमधाम से इस पर्व को नहीं मना पाए थे। तो इस बार का दिवाली कैसा है और आप किस तरह से इसे मना रहे हैं इस बार? इस बार का दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और धनतेरस आपने क्या खरीदारी किया? धनतेरस में सभी लोग मतलब जो खरीदते हैं सामान, हर एक घर में जो यूज होता है उसको खरीदा। धनतेरस में कुछ खरीदारी किया अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए? खरीदे हैं वही जो बच्चे को कटोरा खिलौना है या चांदी का कटोरा है, चम्मच है, यही खरीदारी किए हैं। और दीपावली में इस बार कैसा तैयारी है? आज इस बार दीपावली में धूमधाम से मनाया जाए, कोरोना के चलते 2 साल पहले से कुछ भी नहीं मनाया गया, इस बार बहुत अच्छी तरह से सभी लोग, हम लोग भी मनाए जाएंगे आज दीपावली। बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, जो बिहार ही नहीं, अब बिहार, यूपी, झारखंड होते पूरा दुनिया में धीरे धीरे फैल गया है। तो क्या छठ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे बारून नगर पंचायत के जनता को? छठ पूजा के इस बार बहुत अच्छा से मनाया जा रहा है। और फिर क्या नाम है, अगले 2 साल से कोई व्यक्ति लोग छठ पूजा नहीं गया, इस बार सभी हम लोग पूरा जितना है प्रत्याशी लोग चाहे कोई भी, हर जनता लोग बनाया जाएगा छठ पूजा धूमधाम से। इस बार जो है सब जितना है सब रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो 2-3 वर्षों में नहीं हुआ है, इस बार सब खुशी खुशी लोग मनाएंगे। हाँ, खुशी खुशी, कोरोना के चलते कोई नहीं मनाया था, सब पीड़ित थे, अति से ग्रस्ती थे, इसी के कारण 2 साल से हमारे पूरा बिहार में पूरे छठ नहीं मनाया गया, इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छा, कोरोना काल के दौरान देखा गया कि बहुत से लोगों को जो था आर्थिक नुकसान हुआ है, किसी का ना किसी का काम धंधा छूट गया है। तो वैसे गरीब लोग जो छठ करना चाह रहे हैं और कुछ पैसा कौड़ी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ उन गरीब लोगों की मदद उदर भी कर रहे हैं? हाँ, करने के लिए तो है ही है, इसीलिए तो नहीं चुनाव लड़िएगा तो मदद कीजिएगा? नहीं, चुनाव लड़ने पर अभी भी कि मौका हमको दिया जाएगा, गरीब दुखिया जो हों उनका मदद वगैरह। हाँ, मदद करने के लिए तैयार है, आगे भी करते थे और पूर्वजों लोग भी किए थे और अभी हम भी करने के लिए तैयार है। क्या इस बार का छठ आपका बारून में ही मनाएगा या कहीं बारून से बाहर जा रहे हैं? नहीं, बारून में ही मनाया जा रहा है, हम भी मनाएंगे सभी लोग के साथ में। पूरे बिहार में औरंगाबाद जिला का जो हम लोग का देव का जो है मंदिर है, सूर्य मंदिर, पूरे भारत सहित विश्व में धीरे विख्यात होते जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का इच्छा होता है कि हम लोग देव जाएं, तो उसी में हम बारून के प्रत्याशी जो हैं, भावी प्रत्याशी हैं, तो इनसे हम जानना चाह रहे थे कि आपका इस बार देव का हम छठ कहाँ मनेगा? हमारा छठ तो यहीं बारून में ही मनाया है। हाँ, बारून में ही मनाया जाएगा। गाँव का छठ का मजा कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग है, अपना जगह का कि अपना सबके साथ मिल के छठ करेंगे तो कहीं अच्छा लगता है। चलिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे बारून नगर पंचायत के जनता को? बारून नगर पंचायत को यही संदेश देते हैं कि सभी लोग मिलकर हंसी खुशी पूरा 2 साल से जो हम लोग चिंता में डूबे हुए थे, आई इस बार सभी मिलकर खुशी से पर्व बनाइए छठ पूजा। कुछ लोग टेंशन में अभी भी हैं, जो चुनाव रद्द होने के बाद काफ़ी लोग परेशान में हैं, तो उनसे भी कुछ आग्रह कर दीजिए। आग्रह कर रहे हैं उन लोग से कि कोई चिंता मत कीजिए, जो ऊपर वाला देंगे सबको खुशी खुशी सबको मिलेगा, यही नहीं है कि सब कोई चिंता में थोड़ी है। चलिए, धन्यवाद मैम। चलिए, जैसा कि इनका कहना है बारून की, इनका कहना है कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे थे चाहे आम आदमी हो, इस बार दिवाली पर्व, छठ पर्व, जो धनतेरस त्यौहार आ रहा है, खुशी खुशी आप लोग मनाएं, चिंता फिक्र सब छोड़ दीजिए, पर्व त्यौहार के बाद फिर से अपना काम पर लौटा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।